अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां आबिद और आप देख रहे हैं पीके यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेसन भी अच्छी तरह याद कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेसन। आज मैं आपको बताऊंगा कोरियन गिनती, हफ्ते के दिनों के नाम और मंथ। देखें, कोरिया में गिनती भी दो तरह की है, एक है साइनो कोरियन गिनती और एक है प्योर कोरियन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे साइनो कोरियन गिनती। साइनो कोरियन जो है ये नंबर शुमारी के लिए, तारीख के लिए और टाइम में जस्ट मिनट के लिए इस्तेमाल होती है। इल, ई, सम, सा, ओ, युक, छिल, फल, कु, शिप। देखें, शिप जो 10 है, अगर इसको हम दोबारा यूज करते हैं, ये जो बाकी गिनती है यानी शुरू से, यानी हम कहते हैं शिप इल, तो ये हो जाएगा 10 11। इसी तरह शिप ई, शिप साम, शिप सा। जब हम आते हैं शिप कू पर, तो कू 9 है, शिप 10 है, तो शिप कू मीन 19। और ई शिप, यानी अगर हम ई को पहले यूज करेंगे ई शिप, तो ये हो जाएगा हमारा 20 20। अगर हम इसको ऑपोजिट करते हैं शिप ई, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इसी तरह सम शिप 30, सा शिप 40, सा ओ शिप 50, युक शिप 60, छिल शिप 70, फल शिप 80, कुशिप 90, फिग 100, छुन 1000, मान 10000। कोरिया की जो मैक्सिमम यहां पे जो अकाई है, ज्यादा जो यूज होती है, वो है मान 10000। इसके बाद आते हैं हम वीकडे की तरफ। देखें, चू कहते हैं वीक को, मतलब हफ्ते को, और योइल कहते हैं दिन को। और अगर इसी तरह हम करेंगे इर यो इल, यानी संडे, वोर यो इल मंडे, हा यो इल ट्यूसडे, सु यो इल वेनसडे, और मुक यो इल थर्सडे, खम यो इल फ्राइडे, और थो यो इल सैटरडे। तो आपने वीकडे को भी ऐसे याद करना है। अब आगे आपको आपको मंथ जो है ना वो मैं बताता हूं। देखें, ये बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, जैसा कि अभी जो साइनो गिनती आपको बताई है, अगर आप उसको एक से लेकर यानी इल से लेकर जो है ना वो 12 तक याद करते हैं, तो आप उसी गिनती के साथ इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारे मंथ के जो है ना ये भी मतलब हम पढ़ सकेंगे। मतलब देखें, वुल, वुल कहते हैं मंथ को, तो इल वुल, चूंकि रियल के बाद ईयोंग आ रहा है, तो इसलिए हम इसको आर में पढ़ेंगे, तो ये होगा इरवुल, मतलब जनवरी। ईवुल, समवुल, सावुल, ओवुल। अच्छा, जो युक है ना, जस्ट जब हमने जून का इस्तेमाल करना है, तो युक की जगह हमने कहना है यूवुल। छिरवुल, फरवुल, खुवुल। और देखें, शिप चूंकि 10 होता है, तो जब हमने जो ना वो 10वें महीने का बात करनी है, तो फिर हमने शिप की जगह हमने कहना है शीवुल, शिप इरवुल, शिप ईवुल। शिप ईवुल 12वां महीना है। उम्मीद है कि आपको यह भी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।